मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी कर्मचारियों जिंदाबाद, सरकारी कर्मचारियों का मसीहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बजट 2019 स्वागत है, 2019 का स्वागत है, स्वागत है। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी 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 देखिए, आजाद देश के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल 5 वर्ष में, लोगों ने 65 वर्ष में नहीं कर पाए, 5 वर्ष में उन्होंने इस देश के पूरे खजाने को ये साबित कर दिया कि ये पूरा खजाना देश के 125 करोड़ लोगों का है और उन्हीं को समर्पित है। जबकि कांग्रेस की सरकार ने इस खजाने को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया, चाहे GST से लेकर के हो और चाहे नोटबंदी से लेकर के हो, जो भी खजाना भरा वो सारा मोदी जी ने इस देश के लोगों को सौंप दिया है। मोदी जी के इस बजट को पेश करने पर कांग्रेस को इसमें टिप्पणी करने के लिए बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी को संसद में मेज को थपथपाने का काम करना चाहिए कि देश आर्थिक प्रगति की ओर है। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, व्यापारी लोग, ये सारे लोग इस बजट से लाभान्वित हुए। यहाँ तक कि सामान्य आय वर्ग के लोगों को भी 5 लाख तक की छूट देकर के मोदी जी ने सारे सरकारी कर्मचारी यानी सरकार के साथ शामिल होकर के लोगों को सरकार की सेवाएं देने का जो माध्यम होते हैं उनको भी प्रसन्न करने का काम किया है। इसलिए मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए और 2019 में पुनः मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा इस देश की जनता चाहती है।